ले लेकर के मथुरा को देखने के लिए बड़े हैं। जो उसी गली में घुसे हैं उसी गली में कंस का धोबी आ रहा था शराब के नशा में झूमता हुआ। पूरी गली में अकेलो ही बने कब चार बजे चलो जाते हो, चार बजे चलो जाते हो, ब्रेक लग गई तो लग गई, दीवार में लगी मिल लौटी। भगवान बोले धोबी भैया मेरी उस देखो। धोबी बोला बड़े सुंदर है तुम्हारी उस देखो, क्या देखो तुम हमारी उस देखो, जानते नहीं हो हम कंस के धोबी हैं। कन्हैया बोले तो कंस के मेहमान तो हम भी हैं, तो क्या करूं उठा के सर पर बिठा लो कंस के मेहमान है ना। धोबी बोला ठीक हो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है मथुरा, ऊंचे स्वर में नहीं बोलना, शराब की नशा में धोबी बिल्कुल नहीं दबा। और दबे का एक दबा कोई दबनवा ही थोड़ो, दबा दबनवा ही ना है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। वैसे तो लोग इसे रतन बताते हैं, माफ करें अपनी भीड़ में कोई सज्जन कोई भाई लोग कभी कभी पी लेते हो। खैर हमें उम्मीद है, उम्मीद नहीं है पूर्ण विश्वास है कि आपके क्षेत्र में पीना तो दूर है, कोई कभी देखता भी नहीं होगा इसकी ओर। हाँ बढ़िया लोग हैं सब, हम तो पहली बार थोड़ी नहीं आए, हम तो बहुत दिन पहले से आते जाते हैं आपके क्षेत्र में। ऐसे पीने वालों का ढंग ही कुछ अलग होता है, कोई पता नहीं कब इनका एंटीना घूम जाए और कौन सा चैनल पकड़ ले और वहां से बोलना शुरू कर दे। एक दिन हमने देखा दो लोग बैठे बैठे पी रहे थे, पीते पीते नशा, देखो शराब एक ऐसी चीज है जो किसी को छोटा बड़ा और चाहे पाते नहीं मानती है। ब्राह्मण पिए सौ नशा, महतर पिए सौ नशा, अज्ञान पिए भाव नशा, विद्वान पिए भाव नशा, हर किसी को एक समान मानती है। तो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, पीते पीते नशा हो गया, तो एक तो कुर्सी से लुढ़क गए नीचे दरी, और एक बैठे अकेले ही अकेले कुछ होश में थे और गिलास पकड़े और उससे बातें कर रही थी, जो दूसरा जमीन पे पड़ा था उससे बातें कर रही। अरे अब बोलने का नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। लोग ये कहते हैं कि इसने कुछ नहीं किया, मैंने तो वो किया, मेरे बाप ने भी नहीं किया, 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी गई। तब तक वे नीचे पड़े थे, से बोले शराब पी गए तो कोई गलत काम थोड़ी करेगा, शराब पी गए तो पैसे के कीड़े करते। आप कुर्सी पे बैठे थे, बोले बहुत पीता हूँ, सुबह को भी पीता हूँ, शाम को भी पीता हूँ, पूरे पूरे दिन पीता हूँ, और फ्री की मिल जाए तो ड्रम के ड्रम पीता हूँ। अरे तो कुर्सी पे आकर कुर्सी तरह ऊपर है। फिर बोले कभी कभी रो लेता हूँ, गांव के लोग कहते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी, अब मेरी शादी क्या होगी जब शादी मेरे बाप तक की नहीं हुई। आपके नीचे पड़े हुए बोले तेरे बाप की शादी नहीं हुई तो तू कैसे। आपके बोले तुझे नहीं मालूम पूरा क्षेत्र जानता है, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आए थे। अब दोनों जने चले, वे उन्हें पकड़े, वे उन्हें पकड़े, घर पहुंचे तो तारों खोलने के लिए चाबी निकाली, तारे में डारे चाबी न बने हाथ हल जाए, तारे में जब चाबी ना डारे पाई तो दूसरे से बोले ऐसा लगता है कि मकान हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मकान हिल रहा है, तू थोड़ा मकान साथ ले और ताला खोल ले। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे पूछा भी पिए तो जवानी आए।